हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा किचन पॉइंट। आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ मैगी की रेसिपी। और मैगी वैसे तो सबको बनानी आती है, लेकिन मैं एक नए स्टाइल में बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे एक प्याज, एक टमाटर, आधा कटा हुआ शिमला मिर्च, थोड़ा सा मटर, दो पीस मैगी और दो हरी मिर्ची। प्याज को हम छोटे छोटे पीस में पूरा काट लेते हैं, आप अपने हिसाब से छोटा छोटा काट लें। यहाँ पे मैं शिमला मिर्च को भी छोटे छोटे पीस में काट लेती हूँ। शिमला मिर्च से हमारी मैगी का फ्लेवर जो बहुत ही अच्छा आता है, खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे हम पूरा मिर्ची को, शिमला मिर्च को काट के रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मेरी मिर्ची कट हो गई है, तो मैं यहाँ पे काट रही हूँ टमाटर। टमाटर को भी छोटा छोटा पूरा काट लेते हैं और हरी मिर्ची को भी छोटे छोटे पीस में पूरा काट के तैयार करते हैं। यहाँ पे मिर्ची कट गई है और मैं कढ़ाई में डाली हूँ 2 चम्मच ऑयल। ऑयल गर्म हो गया है और मैंने ऐड कर दिया प्याज। प्याज को हल्का ब्राउन होने देते हैं। इसके साथ ही मैं डालूँगी कटी हुई हरी मिर्ची और शिमला मिर्च। और इसे चलाते हुए यहाँ पे ऐड करूँगी मैं मटर, साथ में ऐड कर देते हैं कटा हुआ टमाटर। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मैगी मसाला। अच्छे से मिलाते हुए और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक, मिक्स कर देते हैं और ढककर 1 मिनट के लिए पकने देते हैं। यहाँ पे टमाटर मटर सब सॉफ्ट हो गए हैं और मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मैगी के साथ मसाला आता है वो, मैं एक ही पैक यूज़ करूँगी। अच्छे से मिक्स कर देते हैं और यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मैं 2 गिलास पानी। वैसे देखें तो 450 ml पानी है और इसे बॉयल आने के लिए ढक कर रख देते हैं। यहाँ पे बॉयल आ गया है और मैं ऐड करूँगी इसमें मैगी। मैगी को मैंने एक पीस को तोड़कर 2 भाग कर लिए हैं और इसे अच्छे से बीच में से दबाते हुए डीप कर देते हैं और इसे पकने के लिए ढक देते हैं। यहाँ पे मैगी जो है मेरी बन के रेडी है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।